भाईजान ठीक है, आपने पहले भी हमदर्दी में रमशा को सहारा दिया, इस घर में रखा, लेकिन अब ये मुनासिब नहीं है। तुम कहना क्या चाह रही हो अफशी? भाईजान, रमशा की वजह से अफनान और अलीजे की जिंदगी डिस्टर्ब होगी। और इस वक्त हमारे लिए अलीजे और अफनान की खुशियां ही मैटर करनी चाहिए। मैं मानती हूं कि रमशा बहुत परेशान है, लेकिन इसका हल कतई ये नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। परेशान तो तुम भी थी अफशी। मैंने सहारा दिया, तुम इस घर में रखा, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, याद? भाईजान, मैं आपकी सगी बहन हूं। रमशा मेरी बेटी है। मुंह बोले रिश्तों की कोई अहमियत नहीं। मेरे लिए अहमियत है। जब मैं बीमार था तो किसने दिन रात मेरी खिदमत की? कौन था जिसने दिन रात एक कर दिया? तुम्हारे सामने ही रमशा रात भर जागती रही। मेरा और उसका तो कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन एहसास का रिश्ता था। अफशीन, एहसास से ही रिश्ते बनते हैं। और जिन खूनी रिश्तों में एहसास नहीं होता वो बेईमानी होते हैं। यानी तुम्हारा ख्याल है कि आज जब उस बच्ची को मेरी जरूरत है तो मैं उसे किसी हॉस्टल में भेज दूं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इतना बड़ा घर किस लिए है? वो यहीं रहेगी। और इस बारे में कोई दो राय नहीं है। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाए। ना बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ। कारोबार का झांसा दिया उसने मुझे और मुझे सारे पैसे ले लिए। तीन दिन तो मैं वहां भूखा बैठा रहा, खाने को ना पीने को। शुक्र करें पाकिस्तान आ गया तो जान बच गई।
इसीलिए मना किया था, इतनी दूर मत जाओ, ना जाओ। सारा पैसा बर्बाद कर दिया, मिल गया तुम्हारे दिल को सुकून। पर मुझे थोड़ी पता था कि वसीम मेरे साथ ऐसा करेगा। उसने तो वहां जाके मुंह ही फेर लिया मुझसे। शानी, मैं तुम्हें हमेशा समझाता था, तुम्हारे तमाम दोस्त नालायक और मुफाद परस्त हैं, उका देंगे तुम्हें। लेकिन तुमने मेरी एक दूती अब्बा, मुझे लगता था कि आप मेरा साथ देंगे, हमदर्दी करेंगे मुझसे, लेकिन मुझे बातें सुना रहे हैं आप। आवाज नीची रखो, ये बर्बादी तुमने अपने लिए खुद चुनी है। किसी का कसूर नहीं है शानी, सारा कसूर तुम्हारा अपना। क्या हो गया, आप लोग किस बहस में पड़ गए? जो होना था वो हो गया, अब एक दूसरे को इल्जाम तो ना दें। मुझे लगता था कि अपने घर आऊंगा, शायद घर वाले मेरा साथ देंगे, मेरी बात सुनेंगे, सब कुछ एक नए सिरे से शुरू करूंगा। लेकिन यहां तो सिर्फ जलील कर रहे हैं मुझे। जब जेब खाली हो ना, तब कोई दिलासा काम नहीं आता। खाली हाथ को दिए हुए तमाम दिलासे बेकार होते हैं। जो जमा पूंजी थी वो तो तुम बर्बाद करा है, अब यहां दुकान भी खाली। सोने पे सुहागा, कासिम साहब ने अपने इमदाद के तमाम पैकेज बंद कर दिए हैं। याद रखो शानी, तुमने रमशा को तलाक नहीं दी, उसके साथ साथ तुमने हम सबको बर्बाद कर। आज रमशा हमारे साथ होती तो कासिम साहब इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ देते, कुछ ना कुछ तो करते। लेकिन तुमने अपने हाथ और पांव तो कटवाए हैं, अपने साथ साथ हमें भी मासूर कर दिया, मासूर हो गए हम। बड़े आए नए सिरे से शुरुआत करेंगे। चन माइक खराब हो गई, या आवारा लड़कों के साथ वक्त गुजारते हुए जनाब को एहसास ही नहीं हुआ कि कितनी देर हो चुकी है, दुकान तुमने खोलनी थी। मैंने आके दुकान खोली, ये सब बाहर खड़े थे, कब एहसास होगा अपनी जिम्मेदारियों का तुम्हें? वो वसीम के पास गया था मैं रास्ते में, मेरा दुबई का वीजा आ गया, मैं कल जा रहा हूं। क्या इतनी जल्दी? हाँ भाई, इतनी जल्दी? वैसे भी आपकी बातें सुन सुनकर मेरे कान तो पक ही गए थे। अच्छा, अब अपना कारोबार आप खुद ही संभालें, मैं घर जा रहा हूं सामान बांधने। उसकी जिम्मेदार वो खुद है अफनान, अगर शानी से उसकी शादी हो गई थी तो उसको कॉम्प्रोमाइज करके साथ रहना चाहिए था। वैसे भी इतना सब कुछ होने के बाद शानी ने उसे एक्सेप्ट किया है, वरना कौन करता ऐसी लड़कियों से शादी? क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? तुमने भी तो उसे रिजेक्ट किया था। हाँ, शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी भाईजान, रमशा की वजह से
अफनान और अलीजे की जिंदगी डिस्टर्ब हो, और इस वक्त हमारे लिए अलीजे और अफनान की खुशियां ही मैटर करनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि रमशा बहुत परेशान है, लेकिन इसका हल कतई ये नहीं हो सकता। परेशान तो तुम भी थी अफशी, मैंने सहारा दिया तो इस घर में रखा, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, याद? भाईजान, मैं आपकी सगी बहन हूं। रमशा मेरी बेटी है। मुंह बोले रिश्तों की कोई अहमियत नहीं। मेरे लिए अहमियत है। जब मैं बीमार था तो किसने दिन रात मेरी खिदमत की? कौन था जिसने दिन रात एक कर दिया? तुम्हारे सामने ही रमशा रात भर जागती रही। मेरा और उसका तो कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन एहसास का रिश्ता था। अफशीन, एहसास से ही रिश्ते बनते हैं, और जिन खूनी रिश्तों में एहसास नहीं होता वो बेईमानी होते। जी पप्पू, बुलाया आपने? अफशीन, जरूरत कैसे हुई रमशा पे हाथ उठाने की? पप्पो, क्या हुआ? आपने बुलाया था ना मुझे? मैं तुम्हारी पप्पो बिल्कुल भी नहीं, समझे तुम? तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। को क्या हुआ? मामा, आप ही पागल हुई हैं अपने भाई के पीछे। भाईजान ये, भाईजान वो, कहते कहते आपका मुंह नहीं थकता मामा। आपने हमेशा उनकी कितनी फिक्र की है, हमेशा उनके आगे पीछे घूमती रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या सिला दिया इस सबका? एक गैर लड़की के लिए उन्होंने आपकी इंसल्ट की है। अलीजे प्लीज, खुदा का वास्ता चुप हो जाओ। मैं इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप मुझे चुप करवा रही हैं। उन्होंने आपको रमशा से कंपेयर किया है। इससे ज्यादा मजीद हमारी क्या इंसल्ट होगी? हाँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा है लीजिए कि भाईजान ने मुझे कंपेयर किया है, वो भी रमशा के साथ। जिस लहजे में उन्होंने मुझसे बात की है ना, ऐसे उन्होंने कभी भी मुझसे बात नहीं की लीजिए। ये वही भाईजान है जो मुझ पे जान छिड़कते थे, इसीलिए तो इतने दिन से परेशान हूं मैं। खैर, छोड़े आप मत हूं परेशान इतना। कैसी बातें कर रही हूं, कैसे परेशान ना हूं।
मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा दिन भी देखूंगी इस घर में। तुम्हें पता है इस लड़की ने ना रमशा ने सब कुछ बदल दिया है। भाईजान को भी बदल दिया। भाईजान अब वैसे नहीं रहे। इंसान को इतना भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए। आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मेरा दिन कैसा गुजरा है। अरे तो बता दो ना तुम्हारा दिन कैसा गुजरा है। मैं नहीं बता रही। अच्छा बाबा ये लो रख दिया आइसक्रीम, बंद कर दिया फोन। बताएं जनाब आपका दिन कैसा गुजरा, क्या क्या हुआ। दिन तो बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन आपको पता है क्या हुआ है? बहुत सारे यूट्यूबर्स आए थे घर मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। तो मेरी अम्मी ने परमिशन ही नहीं दी। और पता है मुझे इतनी कॉल्स आ रही है, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं, मुझसे बैठ के बातचीत करना चाहते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं। हाँ लेकिन मेरी फैमिली परमिशन नहीं दे रही। क्या हुआ? अफनान वो मेरी दोस्त है ना हानिया, उसके बॉयफ्रेंड ने मेरे सामने उसको गन से मार दिया और वो वहीं पे मर गई। आपको पता है पुलिस वालों को लग रहा था कि मेरी गलती है, मुझे लॉकअप में। चुप 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 कर सा। क्या जाने क्यों मैंने सब ठीक हो जाए। कैसी लड़की हो यार, ऐसे हालात में भी बोले चले जा रही हो, बोले चले। It's okay, you're welcome. Bro. जब तुमने उस अरूज को पसंद किया था, शादी के लिए चुना था अपने लिए, तब वो तुम्हारी अरूज सादा थी, मगर अब जब से वो लड़का माद यहाँ आया है ऑफिस में, तब से अरूज बदल गई है। और ये बात इदरीस भाई ने भी नोट की है। बात नहीं करोगे, जवाब नहीं दोगे तो मसले का हल कैसे निकलेगा? तो माद को फायर कर। एंड दैट्स माय फाइनल डिसीजन। इंसानों की तरह पौधों को भी इखलास और मोहब्बत मिले ना तो खिल उठते हैं। देख लो इस गमले की भी बारी आई गई आज। सही कह रहे हैं आप मामू जी। वैसे मामू जान मैं सोच रही थी कि क्यों ना एकेडमी ज्वाइन कर लूं। अरे हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं बल्कि ऐसा करता हूँ।
कि मैं वो फोन करता हूँ एकेडमी वालों से, उनसे फोन करके बात करता हूँ। वाकई में मामू जान, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। थैंक यू सो मच। जीती रहो। मैं तो कह रहा हूँ बेटा, अगर मेरी बात हो जाए ना तो तुम कल से एकेडमी ज्वाइन कर लो। लवक्षय हमारे अब्बा जी कहते थे कि जो वक्त जाया करता है ना, वक्त उसको जाया कर देता है। उसूले इल्म में तो एक ही एक लम्हा बहुत कीमती है ना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मामू जान। थैंक यू सो मच। लेकिन अब बस करें मामू जान, आप थक चुके हैं, जाके थोड़ी देर आराम कर लें, मैं कर लूंगी ये सब। मैंने क्या किया, सब काम तो तुमने किया है। हाँ भाई, हमारी तो उम्र का तकाजा है। अच्छा बस ये आखिरी गमला है, और ना काम लेके बैठ जाना। रमशा जी, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो? क्यों? कोई काम है क्यों? क्यों? क्या हम सिर्फ काम की ही बात कर सकते? उसके अलावा कोई बात नहीं हो सकती? नहीं। क्या हो गया तुम्हें रमशा? मैं देख रहा हूं तुम मुझे बहुत इग्नोर कर रही हो। सुबह भी तुमने इसी तरह इग्नोर किया, उनसे बात तक नहीं की। मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे बताओ। कोई नाराजगी है, कोई शिकायत है तो कम से कम कहो तो सही। कोई शिकायत नहीं। फिर क्यों कर रही हो ऐसा? क्योंकि मैं इस घर में रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की भी लाइफ डिस्टर्ब। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हर कोई ऐसे मुझसे रूठ रहा है, सांस का धागा जैसे टूट रहा है। हो हर कोई ऐसे मुझसे रूठ रहा है, सांस का धागा जैसे टूट रहा है। कैसा बिखरा है जीवन, कैसा ये मिला है मुझे कौसला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट अफ्तान। ये क्या लगा हुआ है? क्या तुम्हारे कोट पे मट्टी कहां से लग गई है?
वो दरअसल मैं बताती हूँ, रमशा ने लगाई है ना ये मट्टी, उसके हाथ पे लगी हुई देखी थी मैंने। नहीं, तुम गलत समझ रही हो, तुम एकदम गलत फहमी। मैं कुछ भी गलत नहीं समझ रही हूँ अफनान। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर सकते हो। तुम दोनों ने तो सारी हदें पार कर दी हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं कोई बकवास नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। तुम अपनी बीवी को छोड़ के उस घटिया लड़की के साथ वक्त गुजार रहे हो। Just shut up. इसके आगे अपने मुंह से एक भी घटिया लफ्ज निकाला ना तो उसके बाद का एक लम्हा भी तुम्हारे साथ नहीं गुजारूंगा मैं। जी भाईजान, आपने बुलवाया था? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अफशीन, रमशा के पास कुछ जरूरी चीजें नहीं है? वो मार्केट चली जाओ तुम उसके साथ। जो चीज उसे दरकार होगी वो ले लेगी। जी ठीक है भाईजान, मैं चली जाऊंगी। बस तैयार हो जाओ। मेरी बात हो गई उससे, वो आती है तो फिर तुम चली जाना। अच्छा जी। अब जो सिर्फ काम की चीजें हैं ना वही लेना। अगर मुफ्त में चीजें बट रही है ना, इसका ये मतलब नहीं कि जो दिल में आए वो चीज उठा लो तुम। मैंने मामू जान को मना किया था, उन्होंने मुझे जबरदस्ती भेजा। हाँ, तुम तो बहुत बोली हो। उन्होंने कहा और तुम चली गई, है ना? मुझे सब नजर आ रहा है किस तरह तुम मेरे भाईजान को लूट रही हो। रुक क्यों गई हो? ये ड्रामे करना बंद करो, रोना धोना बंद करो। मुझे कुछ भी नहीं लेना, मुझे घर जाना, अब चले। जब कुछ नहीं लेना था तो मुझे यहाँ लेकर आए क्यों थे? अपने ये ड्रामे बंद करो। इस तरह से खाली हाथ जाओगी तो भाईजान को लगेगा शायद मैंने तुम्हें मना किया है कुछ लेने से। जो जरूरत की चीजें हैं वो लो और घर चलो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारे इन ड्रामेबाजियों के लिए। बस फिर घर चलेंगे, चलो जल्दी। ये बैग उठा के रूम में रख दो। जी बेबी जी। वो एक लम्हे के लिए तो मुझे लगा था जैसे मेरी जान ही चली जाएगी।
वो गाड़ी कितने करीब से मेरे पास से गुजरी थी, लग रहा था कोई जानबूझ के मुझे मारने वाला है। नहीं नहीं, तुम्हें भला कोई जानबूझ के क्यों मारेगा रमशा? तुम जानती तो हो लोगों को कहाँ तमीज है गाड़ी चलाने की। नहीं पप्पा, आप माने या ना माने, उसमें जो भी था वो जानबूझ के मेरी जान लेना चाहता था। उसने जानबूझ के इस तरह से किया ताकि मैं। नहीं रमशा, वो महज एक हादसा था, तुम इतना मत सोचो। पता नहीं पप्पो, मुझे तो लगता है कि किसी ने जानबूझ के सब कुछ किया। मुझे तो रमशा, इस बात का जिक्र ना भाईजान से करना और ना अफनान से। देखो वो बिला वजह परेशान हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत, तुम जल्दी आ गए? हाँ जी पप्पो, आज जरा मीटिंग्स खत्म हो गई थी जल्दी, तो इसलिए। क्या हुआ, सब खैरियत है? हाँ हाँ सब खैरियत। वो इसको मैं शॉपिंग पे लेके गई थी तो जरा थक गई है। रमशा तुम जाओ रूम में आराम करो, रेस्ट करो। जी। चाय पियोगे? आप बना रही हैं चाय, तो पी लूंगा। हाँ मैं जरा चेंज कर लूं फिर बनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? कहाँ से आ रहे हो तुम? ऑफिस से आ रही हूँ। झूठ बोल रही हो तुम आज ऑफिस गई नहीं। मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी, मैं ऑफिस से ही आ रही हूँ अभी। क्या हो गया है? रमशा पर तुमने अटैक करवाया ना? अटैक? कौन सा अटैक? मैं नहीं जानती किसी अटैक के बारे में। तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं किस अटैक की बात कर रही हूँ। तुम्हारी गाड़ी मैंने पहचान ली थी, तुम ही थी ना? मैं कुछ पूछ रही हूँ। मैंने ही अटैक किया था। लेकिन उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, इस बार बच गई। अगली बार ऐसा नहीं होगा, वादा करती हूं मैं आपसे। तो उसे मारना चाहती हो? मामा मेरा बस चले तो मैं उसको अभी और इसी वक्त मारूं। क्योंकि अगर वो जिंदा रहेगी ना तो मैं और अफनान कभी खुश नहीं रह सकते। अनीसा, बेवकूफ लड़की, तुम्हें क्या लगता है तुम रमशा को मार दोगी और तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से अफनान के करीब आ जाओगी? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर अफनान को तुम्हारी सोच की भिनक भी लग गई ना, तो वो तुम्हें प्यार तो क्या, नफरत भी नहीं करेगा। पर मैं क्या करूं मामा? आप बताएं, मैं अपनी आंखों से उसको रमशा के करीब रहते हुए नहीं देख सकती। मैं मर जाऊंगी मामा, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। मर जाऊंगी मामा, आप समझ रही हैं ना मेरी बात?
देख सकती है। मैं नहीं देख सकती अफनान को किसी और का होता हुआ। मामा आप बताएं, मैं अपनी आंखों से उसको रमशा के करीब जाते हुए नहीं देख सकती। आप मेरी बात समझ रही है ना? अगर अफनान रमशा के करीब हो गया तो मैं मर जाऊंगी। मामा आप समझ रही है ना मेरी बात? मैं मानती हूं कि रमशा बहुत परेशान है, लेकिन इसका हल कतई ये नहीं हो सकता। अल्लाहु अकबर कबीर। परेशान तो तुम भी थी अफशी। मैंने सहारा दिया तुम्हें, इस घर में रखा, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। क्या भाईजान, मैं आपकी सगी बहन। रमशा मेरी बेटी है। मुंह बोले रिश्तों की कोई अहमियत नहीं। मेरे लिए अहमियत है। जिनको नहीं रिश्तों में एहसास नहीं होता वो बेईमानी होते। हेलो,